अगर आप भी टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं तो आपके भी बहुत चांस हैं राजनीति में आने के और जल्द ही फेमस होने के। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने टिकटॉक गर्ल यानी कि सोनाली फोगाट को आदमपुर सीट से हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतारा है। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े और आप देख रहे हैं news.com। आज हम बात करेंगे सोनाली फोगाट के बारे में। दरअसल इस बार हरियाणा विधानसभा की 90 में से 75 सीटों पर जीत का लक्ष्य साध रही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली विधानसभा सीटों में साम दाम दंड भेद सभी फॉर्मूले अपना रही है। दरअसल 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की नजर 90 में से 75 सीटों पर है। 2014 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 47 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 15 सीट पर सिमट कर रह गई थी। हरियाणा में लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन इस बार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली विधानसभा सीटों में अपना झंडा गाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस और भजनलाल के परिवार को गढ़ समझी जाने वाली आदमपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टीवी एक्ट्रेस सोनाली सिंह फोगाट को चुनावी मैदान में उतार कर ग्लैमर का तड़का लगा दिया। इस विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट इतनी चर्चित क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट से ही सोनाली फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस को ग्लैमर से टक्कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में टिकटॉक स्टार को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को हरियाणा की आमदपुर विधानसभा सीट से टिकट दी है। वो जाट बहुल सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई को चुनौती देंगी। हरियाणा में 3 बार के मुख्यमंत्री दिवंगत भजनलाल के बेटे कुलदीप के सामने बीजेपी ने छोटे पर्दे की एक्ट्रेस सोनाली फोगाट को मैदान में उतारा है। सोनाली हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कई वीडियोस में बॉलीवुड के गानों पर थिरकती हुई नजर आई थी। उन्होंने वीडियो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर अपलोड किए हैं। खबर है कि टिकट कंफर्म हो जाने के बाद टिकटॉक पर सोनाली फोगाट के फैन फॉलोवर्स की संख्या अचानक से बढ़ रही है। खबर लिखे जाने तक टिकटॉक पर उनके 1,25,000 फॉलोवर्स थे। विधानसभा चुनावों में आमदपुर सीट पर बिश्नोई परिवार का वर्चस्व रहा है। ये निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राजस्थान सीमा के साथ लगता है। तो देखा आपने, आदमपुर सीट से सोनाली फोगाट को बीजेपी ने क्यों उतारा, लेकिन ये सोनाली फोगाट है कौन, आइए जानते हैं। दरअसल सोनाली फोगाट फतेहाबाद के भूतन गांव की रहने वाली है। उनकी शादी स्वर्गीय संजय सिंह फोगाट से हुई थी, जो हिसार के हरिता गांव के रहने वाले थे। सोनाली सिंह फोगाट के पति दिसंबर 2016 में अपने फार्म हाउस में मृत पाए गए थे। वहीं सोनाली की 7 साल की बेटी भी है। आपको बता दें कि सोनाली बचपन से ही एक अभिनेत्री बनने का सपना रखती थी। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर बतौर हरियाणवी एंकर के रूप में 8 साल पहले की थी, जिसके बाद उनको जी टीवी के प्रसिद्ध धारावाहिक अम्मा में ब्रेक मिला और उन्होंने नवाब शाह की पत्नी का किरदार निभाया। ये सीरियल भारत पाक बंटवारे पर आधारित है। टेलीविजन की तरह ही सोनाली फोगाट सोशल मीडिया पर खासी लोकप्रिय हैं और जब से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, तब से उनके टिकटॉक फॉलोअर्स की संख्या भी अचानक बढ़ गई है। सोनाली कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हैं और वह इस समय भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वह महिला मोर्चा की जनजाति विंग की दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा की प्रभारी भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं और वे झारखंड और मध्य प्रदेश के जनजातीय इलाकों में काम भी कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा से बीजेपी के टिकटॉक स्टार प्रत्याशी सोनाली फोगाट ने कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ उनकी संपत्ति और बैंक बैलेंस का ब्यौरा भी सभी के सामने आ गया। बीजेपी प्रत्याशी सोनाली फोगाट भी करोड़पति है। उनकी चल और अचल संपत्ति 2,74,11,000 रुपए से अधिक है। 40 साल की सोनाली फोगाट के पास 25,61,000 रुपए की चल जबकि 2,48,50,000 रुपए की अचल संपत्ति है।
तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आदमपुर सीट जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने पिछली बार यहां से 47.1% वोट लेकर जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल लोकल दल के कुलवीर सिंह रहे थे, जिन्हें 32.78% वोट पड़े थे। कांग्रेस के सत्येंद्र सिंह 8.47% वोट लेकर तीसरे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण सिंह 6.9% वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने ग्लैमरस फोगाट पर अपना दांव लगाया है। तो वहीं हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट भजन लाल और उनके परिवार का गढ़ रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल यहां से 2 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने साल 2000 और 2005 में 2 बार चुनाव जीता। उसके बाद उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने 2 बार यहां से चुनाव जीता। एक बार उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई उपचुनाव जीत चुकी हैं। वे मौजूदा समय में हांसी की विधायक भी हैं। अब देखना होगा कि सोनाली फोगाट के टिकटॉक पर तो काफी फॉलोअर्स हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है या नहीं। साथ ही आदमपुर सीट से सोनाली फोगाट को चुनावी मैदान में उतारने के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर इसका कुछ असर होगा या नहीं। वेल, इस तरह की चुनाव से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। और हाँ, हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करें NY ZZZ न्यूज ऐप। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।